कृष्णा और अपने रिश्ते पर गोविंदा ने तोड़ी चुप्पी। कृष्णा की बातों को बताया बकवास। कृष्णा और कैशमीरा पर लगाया उन्हें बदनाम करने का इल्जाम। वेल, क्या है पूरी खबर, चलिए जानते हैं। कॉमेडियन कृष्णा अभिषेक और गोविंदा के बीच लंबे समय से तनाव देखने को मिल रहा है। जब गोविंदा कपिल के शो पर आए थे उस समय तो कृष्णा ने उस एपिसोड में हिस्सा तक नहीं लिया था। अपने इंटरव्यू में कृष्णा ने बताया था कि अब उनका रिश्ता गोविंदा से अच्छा नहीं है, यहाँ तक कि गोविंदा उनके जुड़वा बच्चों से मिलने भी नहीं आए थे। वहीं अब गोविंदा ने कृष्णा के बयानों पर चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने कृष्णा की बयानबाजी को भी बकवास बता दिया है। एक न्यूज पोर्टल को दिए गए इंटरव्यू में गोविंदा ने कहा, मैंने जब कृष्णा की बातें सुनी मुझे ऐसा लगा कई बयान तो एकदम बेकार थे। वहीं कृष्णा के बच्चों से ना मिलने वाली बात पर गोविंदा ने बड़ा खुलासा किया। उन्होंने कहा, जब कृष्णा के जुड़वा बच्चे अस्पताल में थे मैं अपने परिवार के साथ उन्हें देखने गया था, लेकिन वहाँ पर मौजूद नर्स ने मुझे कहा था कि कैशमीरा नहीं चाहती कि मेरा परिवार का कोई सदस्य उनसे मिले। मेरे आग्रह करने के बाद हमें दूर से ही उन बच्चों को देखने का मौका मिल गया था। इसके बाद हम भारी मन के साथ वहाँ से चले गए थे। गोविंदा के मुताबिक कृष्णा को इस घटना की जानकारी नहीं थी। गोविंदा ने इस बात पर भी दुख जाहिर किया है कि कृष्णा ने मीडिया के सामने बयानबाजी की है। उन्होंने उनके खिलाफ काफी कुछ बोला था। इस पर वो कहते हैं, कृष्णा और कैशमीरा मेरे खिलाफ मीडिया में लगातार बयान दे रहे हैं, वो मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा कर उन्हें क्या हासिल होने वाला है। कृष्णा संग अपने रिलेशन को लेकर गोविंदा ने कहा कि अब वो उनके परिवार संग एक मर्यादा वाली दूरी बनाना चाहते हैं। उन्हें इस बात से चोट पहुंची है कि पारिवारिक मुद्दों को मीडिया के सामने उछाला गया है। वेल व्यूअर्स, क्या कहना है आपका इस खबर पर, बताइए हमें कमेंट सेक्शन में, और देखते रहिए टेली मसाला।